नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं यूपी पुलिस परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में फ्रेंड्स आपका तीनों आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। आइए देखते हैं इसके कुछ संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, अर्थात अगर कोई बोतल पानी से भरी होती है तो उसमें दाब अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ये आपको देखना है। चार विकल्प आपके साथ हैं। बात करेंगे पहले विकल्प से, बोतल में ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य में, पहले ऊपर फिर मध्य में, या बोतल की पेंदी पर। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा बोतल की पेंदी पर, अर्थात अगर पानी से भरी कोई बोतल है तो उसका दाब पेंदी पर या सबसे नीचे जो है होगा, वही जो है ज्यादा होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि नदियों में बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना बनाई जाती है, या नदियों में बांध बनाकर उसमें जो है शांतिपूर्वक उपयोगी कार्यों में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा वही क्वेश्चन है कि किसी बांध की तली अगर मोटी बनाई जाती है इसका क्या रीजन है, जल की दीवार की तली पर कम दाब आरोपित करता है, या एक प्रकार का रिवाज है, या बांध अच्छा दिखाई देता है, या जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा कि जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर बांध की तली मोटी नहीं बनाई जाएगी क्योंकि तो नदियों के बेग से जो भी पानी आता है वो बांध को तोड़ देगा, और जिस उद्देश्य से आप वो कार्य करेंगे वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समान क्षेत्रफलों के पृष्ठों पर एफ हुआ 4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाबों का अनुपात होगा। फ्रेंड दो बल आपको दिए गए हैं, एक एफ है और दूसरा 4F है, तो अगर जो है उन पर दाब लगाए जाएंगे तो उनका दाबों का अनुपात क्या होगा। आपने फ्रेंड पढ़ा होगा P1/P2 बराबर F1/F2, तो इसी से आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स विकल्प आपका होगा इसमें 1.4, अर्थात इसमें विकल्प होगा आपका 1.4। तो फ्रेंड आपका होगा दूसरा विकल्प इसमें, बी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे क्वेश्चन से, एक वायुमंडल दाब का मात्रक है कि बल का मात्रक है, या एक वायुमंडल दाब की सहायता से हवा की संरचना का अध्ययन करते हैं, या वह ऊंचाई है जिसके ऊपर हवा अनुपस्थित है। तो फ्रेंड्स आपका चार नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका विकल्प होगा कि दाब का मात्रक है, अर्थात एक वायुमंडल दाब का मात्रक है। बाकी का जो तीनों विकल्प आपके हैं शॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड पहला, दाब का मात्रक है वायुमंडल। नेक्स्ट बात करेंगे, दाब एक है, तो दाब आपने फ्रेंड पढ़ा होगा अदिश राशियां सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो उसमें से आपका विकल्प दिया गया है कि दाब क्या है, तो दाब के बारे में आपको बताना है, अदिश है कि सदिश है, कि अदिश सदिश दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा, दाब एक कैसी राशि है, दाब एक अधिक राशि है, साथ आप जाएंगे ए विकल्प के साथ, ऐसा पहला आपका सही होगा। नेट आपका है 6 नंबर क्रमांक के क्वेश्चन का, दो वस्तुओं ए व बी को किसी द्रव में पूर्णतः डुबोने पर दोनों के भार में समान कमी होती है। दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु आपकी ए है, दूसरी वस्तु आपकी बी है, दोनों को जल में डुबाए जाते हैं तो उनके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। तो फ्रेंड्स सिक्स क्रमांक का क्वेश्चन है कि दो वस्तुएं हैं, एक ए है दूसरी बी है, दोनों को किसी द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो दोनों के भार में जाहिर सी बात है कमी प्रतीत होगी। और यह आर्कमिडीज का सिद्धांत भी कहता है कि किसी भी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। तो इसी सिद्धांत पर आपका क्वेश्चन है, अगर आपने ये सिद्धांत पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स ए विकल्प आपका है, दोनों वस्तुओं की आयतन समान है, दोनों वस्तुओं के घनत्व समान है, या दोनों वस्तुओं की भार समान है, दोनों वस्तुओं के आकार समान है। तो बात करेंगे इसका विकल्प आपका होगा फ्रेंड्स, दोनों वस्तुओं की आयतन समान है, अर्थात पहला आंसर जो आपका होगा ए विकल्प वाला ही आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, फ्रेंड्स बता दें आपको इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, इस क्रमांक में हम आपका है 7वां, चुंबकीय बल क्षेत्र एक है, अर्थात चुंबकीय बल क्षेत्र क्या है, अदिश है कि सदिश है, कि अदिश भी है सदिश भी है, और ना सदिश है ना अदिश है। तो फ्रेंड्स आपका होगा आंसर, चुंबकीय बल क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। नेक्स्ट 8 नंबर क्रमांक क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है स्थिर विद्युत आवेश से, केवल विद्युत धारा से, केवल दंड चुंबक से, या दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा दंड चुंबक तथा विद्युत धारा दोनों से, डी विकल्प आपका होगा आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, अर्थात आपने पढ़ा होगा विद्युत मोटर और एक है आपका डायनेमो, इसमें सिद्धांत के आधार पर कुछ कार्य करते हैं, जैसे कोई रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में,
कोई विद्युत ऊर्जा बदलेगा रासायनिक ऊर्जा में, कोई बदलेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसी सिद्धांत पे फ्रेंड आपका आंसर है कि विद्युत मोटर किसमें चेंज करता है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में, या विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। फ्रेंड आपका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जो भी विद्युत मोटर का सिद्धांत है कार्य करेगा तो एक यांत्रिक कार्य के रूप में वो एनर्जी में जो है डाउट होगी। नेक्स्ट आपका दसवां बल का मात्रक है। तो फ्रेंड्स बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक डाइन भी होता है, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो इस विकल्प में आपके हैं पहला किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या किलोग्राम प्रति मीटर। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है एक किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। फ्रेंड्स एक किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं, आप जैसे जानते हैं कि जी का मात्रक 9.8 होता है, तो लगभग लगभग उसी के आधार पर भी आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 9.8 अर्थात एक किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का मांगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो दर्पण किस प्रकार का रहेगा, समतल रहेगा कि अवतल रहेगा कि उत्तल रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अवतल, अर्थात जो दर्पण होगा वो अवतल रहेगा, तो आपका विकल्प होगा बी। नेक्स्ट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन में। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात अगर कोई दर्पण समतल हो तो उस प्रकार का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, कि आभासी बनेगा, कि छोटा बनेगा। फ्रेंड्स आपका आंसर होगा आभासी बनेगा, अर्थात समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। नेक्स्ट है श्यामपट काला प्रतीत होता है क्योंकि, श्यामपट काला प्रतीत होने का क्या कारण है। चार विकल्प दिए गए हैं आपके साथ। यह सभी रंगों को परावर्तित करता है, यह सभी रंगों को परावर्तित नहीं करता, यह काले रंग का अवशोषण करता है, या काले रंग का परावर्तन करता है। तो फ्रेंड्स विकल्प आपके दिए हैं चारों ए बी सी डी, इसमें से आपका एक आंसर सही है बताना है आपको। तो यह किसी को किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, इसलिए कलर दिखाई देता है। अगर जिस रंग को करेगा परावर्तित वह स्थिति कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल मैक्सिमम होगी, अर्थात प्रकाश की चाल मैक्सिमम किसमें होती है। तो जल में दिया है कि मिट्टी के तेल में, कि हीरे में, कि निर्वात में। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा इसमें कि निर्वात में, अर्थात प्रकाश की चाल मैक्सिमम जो होगी निर्वात में होगी। निर्वात मीन्स जहां वायु नहीं रहेगी। नेक्स्ट है समान मानव नेत्र के लिए प्रास है, अर्थात अगर कोई मानव समान नेत्र है तो उसका प्रास क्या होगी। अनंत से 25 सेंटीमीटर, शून्य से 25 सेंटीमीटर, अनंत से 60 सेंटीमीटर, या अनंत से 50 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आपके चार विकल्प में से होगा अनंत से 25 सेंटीमीटर, अर्थात जो आपका विकल्प होगा सी, उस तरफ जाएंगे अनंत से 60 सेंटीमीटर, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, अर्थात स्पेक्ट्रम आप जानते होंगे फ्रेंड्स। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि कई रंगों को वो जो है क्या करता है, स्कैटर करता है। इसी आधार पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला आपका है इंद्रधनुष, दूसरा है रंगीन डिस्क, सी है विभिन्न रंगों की ड्रेस, और डी है लास्ट आपका रंगीन बक्सा। तो स्पेक्ट्रम का उदाहरण क्या है फ्रेंड्स आप जानते होंगे, क्योंकि बारिश के बाद या बारिश के समय कभी कभी आपको बादलों में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा, तो स्पेक्ट्रम उसी का उदाहरण है। तो आपका आंसर भी इसमें हो जाएगा फ्रेंड ए वाला, अर्थात होगा आपका इंद्रधनुष। नेक्स्ट है 18 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन कि सूर्य की ओर देखने के पश्चात अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात सूर्य की तरफ अगर आप देखेंगे तो उसके बाद किसी दूसरी वस्तु को देखेंगे तो किस प्रकार की दिखाई देगी। इस फ्रेंड इस क्वेश्चन का मतलब यही होगा कि अगर आप सूर्य की तरफ देखेंगे अचानक, और अचानक सूर्य के तरफ से आप किसी वस्तु को देखेंगे तो वस्तु किस प्रकार की दिखाई देती है, तो ये आपको बताना है। पहला आपका है इसमें विकल्प काली, दूसरा है हरी, तीसरा है लाल, और चौथा आपकी है नीली। फ्रेंड्स आपको बताना है, आपके चार विकल्प दिए गए हैं। तो जानते हैं आप जैसे किसी कमरे में आपको घुसना है फ्रेंड्स, जैसे आप कमरे में आएंगे तो क्या होगा, आपका जो गोलक है आंख का वो उस तरीके से प्रकाश को एडजस्ट नहीं कर पाता है। जैसे आप कमरे में घुसेंगे भले ही प्रकाश या ट्यूबलाइट का बल्ब हो फिर भी आपको अंधेरा ही दिखाई देगा। तो इसलिए इसी प्रकार सूर्य के भी स्थिति में होगा कि सूर्य की ओर देखने के पश्चात अन्य वस्तुएं जो आपकी होंगी वो काली ही दिखाई देंगी, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स काली। नेक्स्ट है 19 नंबर क्रमांक का क्वेश्चन। हम फ्रेंड्स इस सीरीज की समाप्ति पे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारा सिर्फ बचा हुआ है, तो आइए फटाफट उसको भी कर लेते हैं। हमारा 19 नंबर क्रमांक क्वेश्चन है आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो इसका क्या रीजन है। प्रकाश का परावर्तन है कि प्रकाश का अपवर्तन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के विश्लेषण के कारण। तो आपके पास चार विकल्प दिए गए हैं फ्रेंड्स। पहला आपका है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
या प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो जो भी आप सूर्य जो भी आप आकाश में तारे वगैरह दिख रहे हैं ये टिमटिमाते हुए स्थिति में ना दिखते। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का 20वां क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बात करेंगे एक लेंस की क्षमता प्लस दो डायोप्टर है, लेंस की क्षमता दिया है डायोप्टर में और पूछ रहा है कि लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्रमशः होगी, तो आपको बताना है कि लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल है कि अवतल है कि द्विफोकसी है कि किस प्रकार का है और कितनी इसमें जो है फोकस दूरी होगी। तो आप जानते होंगे कि फ्रेंड डायोप्टर का जो सूत्र होगा होगा एक बटे फोकस दूरी वन अपान डी इक्वल टू होगा वन अपान एफ, और फोकस दूरी को आप निकालते हैं मीटर में, एक मीटर में होगा आपका 100 सेंटीमीटर, उसी से आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारा विकल्प दिया गया है उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर, अवतल लेंस 50 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर सॉरी, और आपका है अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको हमने फार्मूला बता दिया, आप उसी आधार पर बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो एक लेंस की क्षमता दो डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स लेंस की जो प्रकृति होगी उत्तल लेंस का होगा, और अगर अवतल होता तो फ्रेंड्स इसका आंसर माइनस में आता, लेकिन ये प्लस में आ रहा है इसलिए उत्तल होगा, और जो इसकी फोकस दूरी होगी फ्रेंड्स वो 50 सेंटीमीटर होगी। अर्थात आपका पहला विकल्प इसमें जाएगा सही आंसर की तरफ, आपका होगा उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर की इसमें दूरी हो जाएगी। तो ये रहे फ्रेंड्स 20 साइंस के क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन गेस भी किया होगा आपकी परीक्षा के दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये आपसे कोई नहीं जानता है, तो हमने प्रयास किया कि आपके परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन उपयोगी हो, ये परीक्षा में आपको मिले, ताकि आप कुछ मार्क जो है गेस कर पाए और आप अच्छे मार्क से भविष्य के सीओपी बने। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टि से आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है तो कृपया इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भेजना भी लें, और इसी प्रकार की आगे की अपडेट के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद राज सक्सेना।